एडी करेंट्स का जो आपका दूसरा और तीसरा एग्जांपल है वो आज हम लोग देखेंगे। एप्लीकेशन ऑफ एडी करेंट्स में भंवर धाराओं के जो अनुप्रयोग होते हैं, एक अनुप्रयोग आप कर चुके हैं डैम्पिंग का। अगले दो और हम लोगों को ये करने हैं एप्लीकेशन, जिनमें से एक बेटा आप देख रहे हैं इंडक्शन फर्नेस का हमारा एप्लीकेशन है, जिसे आप प्रेरण भट्ठी कहते हैं। एक्चुअली भट्ठी का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे, जहाँ पर कोई ना कोई चीज़ गर्म करते हैं हम, ऐसे ही एक प्रेरण भट्ठी होती है। हम करना ये चाहते हैं, हमारे पास मेटल का स्क्रैप है, मेटल स्क्रैप बोलते हैं उसको, जैसे धातु का बहुत सारा मलबा आप ये समझ लो, हमारे पास धातु का हमारे पास बहुत सारा मलबा पड़ा हुआ है और हम उसको गलाना चाहते हैं। तो उसको गलाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, तो आप सभी का ये कहना होगा कि एक बर्तन में रखो उसको और आग जलाओ, नीचे से वो गर्म हो जाएगा और गलेगा। ठीक है, आप किसी बर्तन में रख के जब आग जलाएंगे तो आप आग जलाने के लिए क्या करेंगे, अपनी गैस का बर्नर जलाएंगे। अगर आप गैस जलाते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा अगर हीटिंग हो सकती है तो हो सकती है 300, 400, 500 डिग्री तक हीटिंग दे सकता है गैस का वो बर्नर, इससे ज़्यादा हीट नहीं दे सकेगा। और इतने में जो मेटल स्क्रैप होगा हम उसको गला नहीं सकते हैं। हमने क्या किया, ऑक्सी एसिटिलीन लगा दिया। ऑक्सी एसिटिलीन वो मटेरियल है, वो चीज़ है जो कि वेल्डिंग वाली जगह पर यूज़ होती है, और उसमें आप देखते हैं बहुत सारी बहुत तेज हीट निकलती है उसमें आगे से, और उससे चीज़ों को गला सकते हैं। तो हमने ऑक्सी एसिटिलीन भी लगा देंगे अगर हम, तो भी वो बहुत ज़्यादा अगर हीट क्रिएट करेगा तो उससे मेटल स्क्रैप का टेम्परेचर आपका 1100, 1200, 1300 तक ही जा सकता है, इससे आगे उसका टेम्परेचर नहीं जाएगा। मेटल स्क्रैप हमारी इतनी में भी नहीं मेल्ट हो सकती, इतने में भी नहीं गलेगी आपकी मेटल स्क्रैप। तो अगर आप ये करोगे कि कॉइल लगा दूं, अगर कॉइल लगा के जैसे हीटर बनाते हैं आप इलेक्ट्रिसिटी से, तो कॉइल लगा दीजिए और उसके बाद उसमें करंट फ्लो करेंगे, उसकी हीट आएगी, उससे मेटल स्क्रैप गल जाएगा। तो आंसर है उससे भी नहीं गल सकता, क्योंकि उसका टेम्परेचर भी आपका 1600 डिग्री 1700 डिग्री तक ही रहता है, उससे भी मेटल स्क्रैप आप नहीं गला सकेंगे, क्योंकि मेटल स्क्रैप को गलाने के लिए हमें बियॉन्ड 2000 टेम्परेचर चाहिए, 2000 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर मेटल स्क्रैप को गलाने के लिए चाहिए आपको। तो हमारे पास ऐसा हीटिंग एलिमेंट ही नहीं है जो मेटल स्क्रैप को इस तरीके से गला सके। तो उसके लिए हम लोग फिर दूसरी टेक्निक ही यूज करते हैं। हीटिंग एलिमेंट तो हमारे बेकार हो गए, ना हम गैस का यूज कर सकते हैं, ना हम ऑक्सी एसिटिलीन से उसको गला सकते हैं, ना हम इलेक्ट्रॉनिक हीटर लगा के उसको गला सकते हैं, फिर हम कैसे उसको गला सकते हैं, कैसे उसको मेल्ट कर सकते हैं। इसके लिए हमने अपनी टेक्निक ही बदल दी और वहां पर भी हमने यूज किया एडी करेंट्स का, भंवर धाराओं का यूज किया। कैसे भंवर धाराओं का यूज किया, उसके लिए एक छोटा सा फिगर है, इसमें हम आपको दिखाते हैं, आप ध्यान से समझिए। ये हमने एक बर्तन बनाया हुआ है, ये थोड़ी मोटी दीवारों का बना रहेगा बर्तन आपका, मिट्टी का बना हो या ऐसी ईंटों का बना हो जिससे हीट बाहर निकल ना सके, जो अंदर हीट एक बार रहेगी उत्पन्न होगी वो बाहर ना निकल सके, ऐसे हम ईंटों का बनाएंगे इसको। तो ये मिट्टी का बर्तन भी हो सकता है, अर्थ पॉट, अर्थ पॉट मीन्स मिट्टी का बर्तन। तो ऐसे एक मिट्टी के बर्तन में हमें जिस भी धातु के मलबे को गलाना होगा, धातु का कबार उसको गलाना होगा, उसको यहां पर भर देंगे हम इस जगह पर। तो यहां पर हम क्या डाल देंगे, यहां पर हम भर देंगे मेटल स्क्रैप,
धातु के जिस मलबे को आपको गलाना है वो यहाँ हमने भर दिया भट्टी के भीतर। इसको ऊपर से बंद कर देंगे, खुला नहीं रहेगा, बंद कर सकते हैं। यहाँ पर पूरा का पूरा मेटल स्क्रैप आपका जमा है, पूरी धातु का कबाड़ उसमें भर दिया हमने ठोंस करके इस तरीके से। अब इसके अगल बगल हमने ये दो कॉयल बनाई हुई हैं, देखिए ये एक हमने मेटल लगाई, ये भी एक मेटल लगाई और इसमें हमने कॉयल लपेट दी, कुंडली लपेटी, यहाँ से ऐसे गई पीछे से कॉयल ऐसे, ये फिर पीछे गई इस तरीके से, और जो इसकी लास्ट वायर निकली उसको ये यहाँ ले आई, इसमें इसको लपेट दिया और फिर इसके पीछे से जो आई यहाँ कनेक्शन दे दिया। और कनेक्शन हमने यहाँ पर डीसी का नहीं दिया, एसी का कनेक्शन दिया। एसी आप जानते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स हमने लगाया, जिसे आप प्रत्यावर्ती धारा भी कहते हैं। तो यहां पर हमने अल्टरनेटिंग करंट का सोर्स दोनों के बीच लगा दिया। अल्टरनेटिंग करंट के बारे में आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है कि अल्टरनेटिंग करंट एक ऐसी करंट होती है कि ये किसी कंडक्टर में से होकर एक बार इस दिशा में फ्लो होगी, फिर अगले ही पल इस दिशा में फ्लो होगी, फिर इस दिशा में फ्लो होगी, फिर इस दिशा में प्रवाहित होगी, और ये काम ये एक सेकेंड में 50 बार करेगी, ऐसे 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 एक सेकेंड में 50 चक्कर पूरे करेगी। ये अल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो हमने यहाँ पर लगा दी इन कॉइल्स के बीच में। अब जब इन कॉइल्स के बीच में हम लगा देंगे, ये सब पूरा सिस्टम कर दिया और हमने स्विच ऑन कर दिया। जैसे ही स्विच ऑन कर दिया, आप देख सकते हैं इस कॉइल में एक बार करंट ऐसे फ्लो होगी और फिर करंट अपनी डायरेक्शन क्या करेगी, बदलेगी, क्योंकि हमने लगाया कौन सी धारा को है, प्रत्यावर्ती धारा, एसी का सोर्स हमने यहाँ लगाया हुआ है। तो एक बार कॉइल में करंट ऐसे फ्लो होगी, फिर अगले ही पल ऐसे फ्लो होगी। कहने का मतलब यूं कि हर बार इन कुंडलियों में धारा की दिशा बार बार क्या होती जाएगी, बदलती रहेगी, चेंज होती रहेगी। ठीक है, अब थोड़ा ध्यान से देखें। एक बार जब धारा इसमें ऐसे बही, गौर से पीछे से वायर आ रही है, आगे इसमें करंट ऐसे फ्लो होगी। जब ये करंट कॉइल में ऐसे फ्लो हुई तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बना, इसका ऐसे फ्लो हुई, चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बना, इस दिशा में ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा, ऐसा, ठीक, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और जब अगले ही पल अल्टरनेटिंग करंट अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी, तुरंत उस क्षण फिर ये करंट ऐसे फ्लो होना शुरू हो जाएगी, इसमें भी ऐसे फ्लो होगी। जब ऐसे फ्लो होगी तो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की किधर आ जाएगी, इधर की तरफ, ऐसे डायरेक्शन आ जाएगी। मेरे बोलने का मतलब यूं कि जो हमने ये कॉइल्स लगाई हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाए हैं, इनमें एक बार चुंबकीय क्षेत्र बनेगा इस दिशा में और तुरंत अगले ही पल इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और ये जितनी देर तक प्रत्यावर्ती धारा बहती रहेगी उतनी देर ये अपने आप होता रहेगा, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में 50 चक्कर लगाती है और हर बार अपनी डायरेक्शन बदलती है। एक बार अगर ऐसे फ्लो होगी तो फिर एक बार ऐसे भी फ्लो होगी अगली बार, फिर उसके अगली बार ऐसे फ्लो होगी तो उसके अगली बार ऐसे फ्लो होती है। तो इस तरह से अपनी डायरेक्शन लगातार चेंज करती है। और मैं बताऊं आपको, प्रत्यावर्ती धारा में ये हमको बहुत बड़ी सुविधा मिलती है कि इसके लिए अगर हम डीसी करंट लगाते तो वो अपनी डायरेक्शन बस सेम एक ही रखती है, वो बार बार चेंज तो होती नहीं है। तो उसके लिए हमको स्विच लगाना पड़ता है और बार बार स्विच को ऑन ऑफ करना पड़ता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं फ्लक्स इंक्रीज होता है, जब हम स्विच ऑफ करते हैं फ्लक्स कम हो जाता है। परिवर्तन हमको स्विच ऑन ऑफ करके करना पड़ता है, लेकिन इसमें हमको ये सुविधा मिलती है कि आप एक बार कनेक्शन लगा दो, ये अपने आप ही बदलती रहती है।
भाई डीसी चेंज तो होती नहीं, तो डीसी को आप कैसे चेंज कर सकते हो? या तो उसमें जो स्विच लगा है बार बार आप उसको दबाओ, उसको ऑन करो ऑफ करो ऑन करो ऑफ करो बार बार करना, और इतनी जल्दी कर लें, ऐसा जरूरी नहीं है आप इतनी तेज नहीं कर सकते। लेकिन प्रत्यावर्ती धारा में हमको एक सुविधा मिलती है कि ये अपने आप ही अपनी डायरेक्शन बार बार क्या करती रहेगी, डायरेक्शन भी चेंज करेगी और परिमाण भी चेंज करेगी। अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ, जब हमने आपको करंट के बारे में बताया था तो उसका ग्राफ बताया था कि ऐसा बनता है। तो न सिर्फ ये डायरेक्शन बदलेगी एक बार प्लस एक बार नेगेटिव डायरेक्शन, बल्कि ये अपना परिमाण भी बदलते जाती है। देखिए इस वजह से जैसे ही आप एसी का सोर्स लगाओगे, यहां क्वाइल्स में करंट का परिमाण भी बार बार बदलता रहेगा और दिशा भी बदलती रहेगी, जिसकी वजह से एक बार चुंबकीय क्षेत्र ऐसे बनेगा तो फिर उसके बाद एक बार चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बनेगा, एक बार इस दिशा में एक बार इस दिशा में, बार बार ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता रहेगा। तो जब बार बार ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनेगा जीरो से मैक्सिमम और फिर मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम मैक्सिमम से जीरो, तो डायरेक्शन भी बदल रही है परिमाण भी बदल रहा है। ऐसी सिचुएशन पे चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा? परिवर्तन। और यहां पर भरा हुआ है मलबा, धातु का मलबा यहां पर हमने भर दिया, तो जब उसमें से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो आप क्या सोचते हैं? अब एडी करंट आपने पढ़ा हुआ है, अगर मेटल के उस स्क्रैप से गुजरने वाले या उस लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में तेजी से परिवर्तन करेंगे, तो क्योंकि धातु का वो मलबा एक गुटकी की तरह बिहेव करेगा, सब एक दूसरे से सटे, वहां पर हमने दबा दबा के उनको भर दिया है। अब वो धातु के गुटकी की तरह अगर बिहेव करेगा तो अब आप खुद सोच सकते हैं, अगर मैग्नेटिक फील्ड क्वाइल्स की वजह से ऐसे बना है, क्वाइल्स की वजह से अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बना है, तो इस मलबे में इस स्क्रैप में एडी करंट्स बनेंगी और वो एडी करंट्स इस मैग्नेटिक फील्ड का क्या करने की कोशिश करेंगे? विरोध करने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर एडी करंट्स ऐसे बनेंगी, अगर एडी करंट्स ऐसे बनेंगी इस तरह से एडी करंट्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। पहली बार मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है तो एडी करंट ऐसी बनेंगी कि वो इसका विरोध कर सके परिवर्तन का, तो उन्होंने करंट को ऐसे फ्लो करवाया, और जब ऐसे फ्लो करवाया ताकि ये उल्टा मैग्नेटिक फील्ड इस दिशा में क्या कर सकें? बना सकें और इसका विरोध करें। ठीक, अगले ही पल इसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या हो गई? बदल गई। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हो गई। अब अगर ऐसे हो गई तो उस मेटल स्क्रैप के भीतर भी एडी करंट अपनी डायरेक्शन क्या करेंगी? क्योंकि अब पहले इसको अपोज करना था तो ऐसा उनको मैग्नेटिक फील्ड बनाना था, अब इस वाले मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है तो ऐसा बनाना है उनको, तो वो अपनी करंट की डायरेक्शन बदलेंगी। तो इस बार करंट की डायरेक्शन बदलकर ऐसा कर देंगी, समझ आ रहे हैं आपको? तो वो इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड बना के और विरोध करने की कोशिश करेगा। अब आप सोचिए, ये एसी का सोर्स लगा है, ये तो मैंने बहुत धीरे से बताया है, यहां पर ये वर्क, यहां पर ये एक्शन बहुत तेजी से होगा। मैंने बताया एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा 50 साइकिल कंप्लीट करती है, एक सेकंड में 50 चक्कर पूरे करती है, और इतनी तेजी से इस मेटल स्क्रैप के अंदर भंवर धाराएं कभी इस दिशा में तो कभी इस दिशा में बनेंगी बहुत तेजी से। और देखिए, सब रिंग्स इतने बड़े नहीं होंगे, कोई छोटा एडी बनेगा, कोई बड़ा एडी बनेगा इस तरह से। आपने लास्ट क्लास में देखा ना एडी करंट्स का, तो इस मेटल स्क्रैप के भीतर भंवर धाराएं हमने पैदा कर ली। समझ में आया कैसे पैदा किया? हमने बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को क्या किया? बहुत तेजी से बदला। और बाहर के मैग्नेटिक फील्ड को बहुत तेजी से बदलने के लिए किसका यूज किया? प्रत्यावर्ती धारा के स्रोत का। जब बाहर के मैग्नेटिक फील्ड में बहुत तेजी से परिवर्तन किया तो अंदर में भंवर धाराएं भी उत्पन्न हुई, और वो भी बड़ी ज्यादा उत्पन्न होती हैं,
और आपने लास्ट क्लास में ही पढ़ा हुआ है कि भंवर धाराएं जब उत्पन्न होती है तो ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि धातु का ये जो जो भी यहाँ पर स्क्रैप भरा पड़ा होगा वो स्क्रैप क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये गर्म होने लगा, गर्म होते जाएगा होते जाएगा, कितने टेम्परेचर तक गर्म होता जाएगा? आंसर है ये गर्म होते ही रहेगा। क्यों? क्योंकि जो यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट आएगा, हमने यहाँ अर्थ का पॉट लगाया है, मिट्टी का बर्तन लगाया है या ऐसी ईंटों का बनाया है जिससे हीट बाहर नहीं जा सकती, तो जो एक बार हीट अंदर पैदा हो जाएगी वो हीट बाहर नहीं जा सकेगी। अगर वो हीट बाहर नहीं जा सकती तो अंदर ही अंदर इस स्क्रैप को क्या करती रहेगी? गर्म करती रहेगी। अब गर्म करते करते इसका टेम्परेचर होगा 500, 1000, 1500, 2000, 2500, 3000, ऐसे टेम्परेचर बढ़ता ही जाएगा। और इतने टेम्परेचर आते आते मेटल क्या होना शुरू हो जाएगा? मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, वो गलना स्टार्ट हो जाएगा, मेटल गल जाएगा, गल के पिघल कर के बिल्कुल लिक्विड बन जाएगा। उसके बाद भी अगर आपने अपनी करंट नहीं रोकी तो आप बताइए क्या हीटिंग होना बंद हो जाएगा? बंद नहीं होगा, और हीट होगा। ये मेटल भाप बन के उड़ना शुरू हो जाएगी, इतना ज्यादा हीट कर सकते हैं। तो आप समझिए मेटल स्क्रैप को गलाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा हीटिंग एलिमेंट नहीं था, ना हीटर, ना गैस बर्नर, ना ऑक्सीएसिटिलीन से भी हम इतनी हीट नहीं दे पाते इसको कि हम गला सकें। और इस मेथड ने न सिर्फ मेटल स्क्रैप को गलाया बल्कि अगर आप इसको बंद ना करें तो ये मेटल स्क्रैप गल करके लिक्विड बन जाएगा। उसके बाद भी बंद नहीं कर रहे हैं तो ये वेपोराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, भाप बनकर उड़ना शुरू कर देगी मेटल, इतना गर्म कर सकता है। अब आप देखें यहां ना तो कोई लौ दिख रही है आपको, ना कोई आवाज आ रही है, कोई आवाज नहीं आ रही है। कहां पे आवाज आएगी? कुछ हमने ऐसी मशीन ही नहीं लगाई, ना कोई साउंड, ना कोई गैस का बर्नर, ना लौ दिख रही है आपको। बस हम देखते क्या है, थोड़ी देर में ये पिघलना शुरू हो जाती है, उसके बाद थोड़ी देर बाद ये वेपर बनना स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ नहीं मुझे अगल बगल दिखता, लेकिन उसमें इफेक्ट दिखता है कि वो मेटल गल रही है। इस तरह से बड़ी जल्दी, इस तरह से बड़ी जल्दी हम मेटल स्क्रैप को मेल्ट कर सकते हैं, पिघला सकते हैं, और उसके बाद हम उसका कहीं भी यूज कर सकते हैं। और इसको बोला जाता है प्रेरण भट्टी। तो पहले तो हमारे इंडिया में इस तरीके की भट्टी ज्यादा नहीं होती थी और हमको बाहर से मंगानी पड़ती थी, लेकिन अब खैर हमारे अपने कंट्री में भी इसका मतलब बनाने का इसका उत्पादन स्टार्ट हो गया है, तो अब हम अपनी बनाई हुई भट्टियों का भी यूज़ करते हैं। और बहुत ज़्यादा आप देखते हैं इतनी हीटिंग होती है इन भट्टियों में कि मैं आपको बताऊं कि ये जो जहाँ पर आप देखते हैं घाट बने होते हैं जहाँ पर डेड बॉडीज को जलाया जाता है, तो अभी डेड बॉडीज को जलाने में बहुत पोल्यूशन फैलता है। जो डेड बॉडीज होती है उनको नदी किनारे गंगा किनारे ले जाकर एक जगह रखकर लकड़ी लगा के जलाते हैं, उसका बड़ा धुआं निकलता है, तो वो बहुत पोल्यूशन फैलता है। और अगर उस इंसान को किसी भी प्रकार की डिसीज रही होगी, बीमारी रही होगी, तो उसके कीटाणु भी एयर में आ जाते, तो ये करना अब अलाउ नहीं है। इसलिए हर घाट में एक एक इलेक्ट्रॉनिक फर्नेस, इंडक्शन फर्नेस लगाई गई हैं। तो वहाँ पर अब जब जाते हैं तो जो डेड बॉडीज होती हैं एक ट्रॉली मशीन के अंदर से निकलती है और उस ट्रॉली में डेड बॉडी को रख दिया जाता है, इसके बाद अंदर उसको ढकेल देते हैं, मशीन ऑन करते हैं, थोड़ी देर लगती है, पूरी की पूरी डेड बॉडी जो होती है कुछ नहीं बचता उसमें, वो बिल्कुल जल जाती है, उसको कोई पोल्यूशन भी नहीं आता। जलाना वैसे भी है, जलाना वैसे भी है, इमोशंस अपनी जगह है, लेकिन पोल्यूशन भी तो अपनी जगह है, तो पोल्यूशन भी नहीं आता। और इतनी ज़्यादा हीटिंग होती है कि सब पूरा का पूरा मटेरियल अंदर का अंदर ही गल जाता है बिल्कुल। तो ये इंडक्शन फर्नेस इस तरह से वर्क करती हैं। क्या आपको इंडक्शन फर्नेस का मतलब समझ आया? नहीं समझ आया? आ गया? आ गया ना सबको?
इधर आ जाते हैं। इसका जो थर्ड यूज यहाँ पर करते हैं वो करते हैं इंडक्शन मोटर। इंडक्शन मोटर बनाते हैं प्रेरण मोटर। प्रेरण मोटर में थोड़ा सा आपको ज़्यादा अच्छे से समझना होगा। देखिए ऐसे आपको समझना पड़ेगा कि मोटर को अगर आप ऊपर से देखोगे, देखो ध्यान से, पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ बता देता हूँ। नॉर्मली जो मोटर आप देखते हैं उन मोटर्स में क्या होता है, अगर यहाँ नॉर्थ पोल है और यहाँ साउथ पोल है तो फिर बीच में यहाँ पर एक कॉइल बना के लगाते हैं। समझ आ रहा है आपको? एक तरफ नॉर्थ, दूसरी तरफ साउथ, और उसके बाद इसके बीच में एक कॉइल बनाते हैं और इस कॉइल में भी हमको करंट देनी पड़ती है। जब कॉइल में हम ऐसा करंट फ्लो करवाते हैं, ये कॉइल में जब ऐसा करंट फ्लो करवाते हैं तो यहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये चुंबकीय क्षेत्र यहां पर होता है। बीच में हमने कॉइल लगाई, उसमें धारा प्रवाहित कर दी। अब चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक आ गया और चुंबकीय क्षेत्र के अंदर रखे धारावाही चालक में एक बल लगना स्टार्ट हो गया और उसकी वजह से ये अंदर वाली जो कॉइल है ये घूमना स्टार्ट कर देती है। जो अंदर में ये कॉइल लगी होती है ये ऐसा घूमना शुरू कर देती है, ऐसे घूमने लगती है। लेकिन और एक चीज मैं बताऊं आपको, इसमें मेनली होता क्या है कि जो नॉर्थ पोल यहां लगे हैं, साउथ पोल लगे हैं ना, ये नॉर्थ और साउथ अभी हमने ऐसे आपको दिखाए हैं, ये नॉर्थ और साउथ हम ऐसे भी लगाते हैं इस तरह से। तो एक्चुअली होता क्या है, इसका प्रिंसिपल समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन मैं कोशिश करूंगा आपको समझना है अच्छे से इसे। क्या आपने वैद्युत द्विध्रुव को पढ़ा था, याद है आपको? वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता था, अगर वैद्युत क्षेत्र इधर से इधर की तरफ होता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर की तरफ है और हमने वैद्युत द्विध्रुव को तिरछा ऐसे रख दिया, थोड़ा सा वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, वैद्युत द्विध्रुव हमने ऐसा रख दिया, तो क्या करता था ये, याद है कुछ आपको? इसमें एक बल युग्म का आघूर्ण बनता है और वो फिर से अपने आप को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में क्या कर लेता है, सीधा कर लेता है, अलाइन कर लेता है। कुछ याद आ रहा है आपको? ऐसे ही अगर वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ है और हम इसको ऐसा रख दें तो फिर ये सीधा हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र इधर की तरफ हम ऐसा रख दें तो फिर ये सीधा हो जाएगा। कहने का मेरे मतलब यूं कि कोई भी वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में जब आप रखते हैं तो हर बार वो अपनी आप को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में सीधा कर लेता ही है। जैसे अब वहां की बात छोड़िए, चुंबक में आइए, चुंबकीय सुई को भी आपने देखा, मैग्नेटिक नीडल देखी आपने, मैग्नेटिक नीडल हर बार वो मैग्नेटिक नीडल अपने आप को क्या करती है, अगर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है इस दिशा में और चुंबकीय सुई को हमने अचानक से इस दिशा में रखा तो घूम के ऐसे हो जाती है, नॉर्थ साउथ में आ जाती है, ऐसे रखा घुमा दिया अगर थोड़ा सा तो फिर वो अपने आप को सीधा कर लेती है। कहने का मतलब यूं कि जिस तरह से वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव अपने आप को वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेता था, चुंबकीय द्विध्रुव अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित कर लेता था, वो चीज हम यहां पर यूज करते हैं। एक्चुअली होता क्या है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड अगर इधर बना हुआ है, ध्यान से याद रखना कि यह मैग्नेटिक फील्ड है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है इधर से इधर की तरफ, उसमें हमने कॉइल रखने आ रहे हैं, इस कॉइल में ऐसे करंट फ्लो हो रही है, समझ आ रहे हैं सबको, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। अगर ऐसे करंट फ्लो हो रही है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र किस तरफ बनेगा, डायरेक्शन बताओ, राइट हैंड सेट करके देखो, ये चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में बनेगा। नहीं समझ में बात आई? फिर से
एक तो चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र इधर से इधर की तरफ है, इस क्वाइल में जब हमने ऐसे करंट फ्लो की तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसके तल के लंबवत बनेगा, क्योंकि आप ऐसे करंट फ्लो कर रहे हैं तो ऐसा बनेगा, अगर करंट ऐसे फ्लो हो रही होती तो ऐसा बनता। ये दोनों बातें समझ में आ गई। अब हमने क्या किया, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र तो हम लगाए ही थे, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बाहर वाला, हमने ये क्वाइल भी उसी में रख दी और करंट ऐसे फ्लो करवा दी। इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैं इस छोटे से क्वाइल को ले लेता हूँ ऐसे, ये क्वाइल मान लीजिए, तो इसमें हम ऐसे करंट फ्लो करवा रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र अगर ऐसे बना रहे हैं तो चुंबकीय क्षेत्र कैसा बन रहा होगा, ऐसा। ये मैग्नेटिक फील्ड है इसका, ऐसे तो बनाएगा। ये दोनों बातें क्लियर हैं। अब जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इधर से इधर की तरफ है, उसमें आकर के हमने इस क्वाइल को रख दिया और हमने इस क्वाइल को रखा ऐसे, चुंबकीय क्षेत्र किधर की तरफ है, ऐसे। क्वाइल हमने कैसे रखी, ऐसे। तो ये क्या करेगी, अब समझ आ गया क्या करेगी, ये अपने आप को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने की कोशिश करेगी। अब ये चीज जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है क्वाइल का, ये हमारे बाय मैग्नेटिक फील्ड के साथ अलाइन हो जाए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आंसर है इस पूरी क्वाइल को ही घूमना पड़ेगा, और क्वाइल घूम के ऐसे आ जाती है। ये एक बात समझ में आ गई सबको, नहीं समझ में आई, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। हमारा बाह्य चुंबकीय क्षेत्र ऐसा था, क्वाइल हमने ऐसे रखी, तो ये क्वाइल ने क्या किया, अपने चुंबकीय क्षेत्र को बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की तरफ अलाइन करने के लिए पूरा का पूरा क्वाइल ही क्या हो गई, घूम गई। जैसे ही ऐसा घूम के यहां पर आई, हमने एक चालाकी कर दी। क्या चालाकी कर दी, कि हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड ही चेंज कर दिया। पहले हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, जब तक ये घूम के ऐसे आई उतनी देर में हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड बदल दिया और हमने अब अपना मैग्नेटिक फील्ड कर दिया ऐसा। तो ये कैसा घूम के आ गई थी, देखो हमने अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कर दिया, ये घूम के पहले फिर से, ये बाय मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये क्वाइल का रेड वाला, जब रखेंगे तो क्वाइल अपने आप के मैग्नेटिक फील्ड को इस बाह्य चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सीधा करने के लिए खुद घूम जाएगी। जैसे ही ये घूम के यहां पर आई, हमने चालाकी की, हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र अभी तक ऐसा था, हमने उसको ऐसा कर दिया। तो अब क्वाइल ऐसे थी पहले, जब घूम के ऐसी हुई तो अब हमारा मैग्नेटिक फील्ड उसको ऐसा मिला, जब ऐसा मिला अब वो क्या करेगी, फिर सीधा करने की कोशिश करेगी। उसको तो लगा कि हम इतना घूमेंगे सीधी हो जाएंगे, लेकिन तब तक हमने अपने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर दिया, ये हमने चालाकी कर दी। अब जब ये यहां पहुंची तो इसने देखा कि यहां पर तो इसको चुंबकीय क्षेत्र मिला ही नहीं, वो तो चुंबकीय क्षेत्र इधर की तरफ बैठा है, तो फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर घूमना पड़ेगा, और घूम करके अपने आप को किधर ले जाएगी, ऐसे ले जाएगी। समझ आ रहे हैं ना, और जब तक ये ऐसे ले जाएगी तब तक हम फिर अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा कर देंगे। अब जब ये इधर जाएगी तो फिर देखेगी कि ये तो ऐसे आ गया, तो फिर अपनी तरफ अपने आपको सीधा करने के लिए इसको कैसा करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। जब तक ये ऐसे आएगी हम अपना चुंबकीय क्षेत्र ऐसा कर देंगे। तो अब ये क्वाइल ऐसे आ चुकी थी और हमारा चुंबकीय क्षेत्र ऐसा, अब फिर इसको क्या करना पड़ेगा, फिर घूमना पड़ेगा। और यही करते रहते हैं हम, ऐसा नहीं दो चार बार करके छोड़ देंगे, ऐसा नहीं, यही हम करते ही रहते हैं। अब जब यही करते रहेंगे तो ये क्वाइल को क्या करना पड़ेगा, ये बेचारी क्वाइल घूमती ही रहेगी। समझ आ गया, अगर ये समझ आ गया तो समझो इंडक्शन मोटर आपको समझ आ गई। अब इसके लिए हम ये कैसे करेंगे कि हमारा जो चुंबकीय क्षेत्र पहले ऐसे रहेगा, फिर हमारा मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, फिर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो जाएगा, फिर ऐसा होगा, ये कैसे करेंगे हम।
इसके लिए हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, विद्युत चुंबक, और उन विद्युत चुंबक में करंट की मदद से हम ये काम करते हैं। तो अब आप देखिए, हम अब क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूं। ये कॉयल बीच में लगाएंगे हम, जब ये कॉयल हम बीच में लगाएंगे, हम उसके चारों तरफ मैग्नेट के चार पोल लगाते हैं, चार ध्रुव। कहां कहां लगाएंगे चार ध्रुव? ये कॉयल याद रखिएगा बीच में रहेगी, ठीक। दो ध्रुव तो हम ऐसे इधर लगाते हैं और दो ध्रुव हम इधर लगाते हैं। अब आपको समझ आया? एक बार क्या करेंगे, इन पोल्स में करंट को फ्लो करेंगे और ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएंगे, ऐसा वाला। जब तक कॉयल घूम के ऐसे आएगी, हम इन कॉयल से अपनी करंट को हटा लेंगे। अब यहां जो दो कॉयल लगी हैं, उनमें करंट फ्लो करवा के ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बना देंगे। समझ आ रहा है कुछ आपको? जब तक कॉयल फिर घूम के ऐसे आएगी, अब फिर हमने अपने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसा बनाना, तो इन दोनों कॉयल से करंट को हम हटा देंगे, अब फिर इन दो कॉयल में करंट फ्लो करवाएंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, करंट को ऐसी डायरेक्शन में फ्लो करवाएंगे कि ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बने, ऐसा बना देंगे। जब तक कॉयल घूम के आएगी, फिर इन कॉयल्स से इलेक्ट्रिक करंट हटा करके इन कॉयल्स में इलेक्ट्रिक करंट लगा देंगे, तो फिर ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। जब तक कॉयल ऐसे घूम के आएगी, तो इनसे करंट को हटा के इनमें लगा देंगे, फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनेगा। नहीं समझ आ रही है वाली बात? आ गई? तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट जो लगाते हो, उसके कितने पोल्स लगाने पड़ते हैं? चार। आप ज्यादा भी लगा सकते हो, हमने तो जब मिनिमम बताए तो चार। आप चार के छह लगा सकते हो, छह के आठ लगा सकते हो, और पास पास लगा दो ऐसे ऐसे करके, और तेजी से वो काम करना स्टार्ट कर देगी। हमने मिनिमम चार लगा के आपको बताए, तो चुंबक के कितने पोल आपको लगाने पड़ते हैं? चार। और उनके बीच में ही क्या घूमती रहती है? कुछ समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है भाई? अब बताइए, ऐसे एक दो मैग्नेट ऐसे यहां लगाए हमने, और बाकी दो मैग्नेट कहां लगाए हैं? दो ऐसे लगाए हैं, ठीक है। जब हमको ऐसे चुंबकीय क्षेत्र बनाना होता है, तो किन दो में हम करंट फ्लो करते हैं? इन दो में करते हैं। इन दो में उतनी देर करंट को फ्लो नहीं करवाते, और इन दो में ऐसी दिशा में करंट फ्लो करते हैं कि ऐसा चुंबकीय क्षेत्र बने, ऐसा बने। फिर जब इनसे हटाना होता है, तो क्या करते हैं, इनकी करंट बंद कर देते हैं, इनकी करंट ऑन कर देते हैं। अब इनमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, फिर जब इनको बंद करना होता है, इनकी करंट बंद करके फिर इनमें करंट लगाते हैं, डायरेक्शन हम बदल लेते हैं, ये हम करते हैं। अगर इस चीज को आप ऊपर से देखने जाओगे कि एक कॉयल भी रखी है, यहां 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 फोर मैग्नेट्स भी लगे हैं, वैद्युत चुंबक, जब आप इसे ऊपर से देखने जाओगे, मैं जो ये बना रहा था, इसमें मैंने कितने चुंबक दिखाए हैं आपको? केवल दो चुंबक। बाकी दो चुंबक कहां होंगे? एक इस कॉयल के पीछे लगा होगा कहीं पर, एक सामने यहां लगा होगा। अब समझ आ गया ना आपको कि एक चुंबक यहां कहीं पीछे लगाना पड़ा होगा और एक चुंबक यहां कहीं आगे लगा होगा। तो ये वाला मैग्नेट कहां लगा है? पीछे। और ये वाला कहां लगा है? आगे। और ये दोनों दाएं और बाएं लगे, बीच में एक कॉयल ऐसा रोटेट होगी। क्लियर? अब इसी चित्र को ऊपर से देखिए, ये मोटर है, यहां से देखेंगे हम इसको। तो जब आप ऐसा चित्र नीचे दबाएंगे, ऊपर से देखेंगे, आपको क्या दिखेगा? इमेजिन करिए, एक पोल यहां दिखेगा, एक यहां दिखेगा, एक यहां दिखेगा, और बीच में कॉयल का ये वाला चीज दिखेगी आपको। ये पूरी कॉयल तो नहीं दिखेगी ना, ये ऊपर से देख रहे हैं, ये चीज दिखेगी। समझ आया कुछ आपको? बताएं ये क्या चीज है? ये उत्तर और दक्षिण होंगे चुंबक के, तो ये क्या चीज है? ये भी नॉर्थ और साउथ है। वेरी गुड, चार मैग्नेट हो गए। तो ये बीच में क्या है? ये क्वाइल है बीच में, ये जो हमने यहां पर इसको लगाया, और ऊपर से देख रहे हैं तो केवल ये दिख रहा है हमको, बस।
अब ये चित्र समझ आ गया सबको? ओके। अभी हमारी कॉइल ऐसी है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा बनेगा इस दिशा में कॉइल का, और इस कॉइल को भी देखो ध्यान से, इनको नॉर्थ और साउथ बनाना है, इनको नॉर्थ और साउथ बनाना है, उसके लिए भी हमको करंट देनी पड़ती है। ये कॉइल को भी देखो, एक बैटरी से हमको क्या करना पड़ता है, करंट देनी पड़ती है, समझ आ रहा है? तो आसपास जो ये फोर मैग्नेटिक पोल्स लगे हैं ना, क्योंकि हमने विद्युत चुंबक बनाए हैं तो इनको भी हमको बिजली देनी पड़ती है, इनको भी हमको करंट देनी पड़ती है, बारी बारी से, एक बार इसको 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 बारी बारी से हमको करंट देनी पड़ती है, और जो ये बीच में कॉइल लगी है इसको भी हमको करंट देनी पड़ती है, तभी तो घूमेगी, उसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, फिर वो अपने आप को सीधा करेगा। तो हमें मैग्नेट्स को भी बारी बारी से करंट देनी पड़ती है, कॉइल में भी करंट देनी पड़ती है, याद रखिएगा ये चीज। जब कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बना, उस समय हमने चालाकी क्या की हुई है कि हमने अपना जो बाहर वाला मैग्नेटिक फील्ड है वो किस दिशा में बनाया है, वो इस दिशा में बनाया हमने। ये वाले दो मैग्नेट्स हमने चलाए, ये दो मैग्नेट्स में करंट हमने बंद कर दी तब तक। तो जब ये दो मैग्नेट्स में करंट हमने बहाई और ऐसी दिशा में प्रवाहित की कि चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बन जाए, अब कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा, मैग्नेट्स का ऐसा, अब क्या होगा बताएं? ये कॉइल अपने मैग्नेटिक फील्ड को क्या करने की कोशिश करेगी, बाय चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित करेगी, तो कैसे घूमेगी अब बताएं? ये ऐसा घुमाएगी कि ऐसा घुमाएगी? ऐसा घुमाएगी। ऐसा घुमा के थोड़ी देर बाद हमने देखा ये कॉइल ऐसी हो गई सीधी, और अब इसका मैग्नेटिक फील्ड किधर आ गया, इधर। पहले कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ये था, कॉइल घूम के ऐसी हो गई, नहीं ऐसी थी तो ये मैग्नेटिक फील्ड था, फिर घूम के ऐसी हो गई तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया ये वाला। जैसे ही ये वाला मैग्नेटिक फील्ड आया, अब हमने क्या किया बताइए? इनकी करंट हमने बंद कर दी, अब करंट इनमें प्रवाहित की और ऐसी दिशा में प्रवाहित की कि इनका चुंबकीय क्षेत्र ऐसा बन जाए। तो जब ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हुआ, उसमें बाय चुंबकीय क्षेत्र ऐसा मिला इसको, अब ये फिर क्या करेगी, इसमें घूमेगी, घूम करके फिर ऐसी होकर के ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी। जब तक इसने ऐसा बनाया तब तक इसने करंट हमने फिर बंद कर दी, फिर इनमें करंट दी, इनमें दी और ऐसी दिशा में दी कि इनका मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बन जाए। अब कॉइल का ऐसा, मैग्नेट्स का ऐसा, तो फिर कॉइल अपने आप को घुमाएगी और अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा करेगी। जब तक वो अपना ऐसा करने आएगी, हम फिर बदल देंगे, उसकी पोलरिटी चेंज कर देंगे। ये चीज समझ में आ गई? ठीक। ये होती है इंडक्शन मोटर। इतना झंझट आप देखिए, कितने कॉम्प्लिकेशंस हैं इसमें, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मोटर होती है। आप देखिए बीच में जो कॉइल लगी है, हमको इसको भी करंट देनी पड़ रही है, और ये जो मैग्नेट्स लगे हैं ना आसपास, इनमें न सिर्फ करंट देनी पड़ती है बल्कि इनमें करंट को बार बार ऑन ऑफ करना पड़ता है, और न सिर्फ ऑन ऑफ करना पड़ता है, डायरेक्शन भी बदलनी पड़ती है। तो ये इंडक्शन मोटर इतनी कॉम्प्लिकेटेड मोटर है कि इसको बनाना, इसको फॉर्म करना बहुत डिफिकल्ट होता है। इसके सारे पार्ट्स बड़े स्लिपरी बनाए जाते हैं कि वो एक दूसरे में बड़ी आसानी से फिसल सके, ताकि ये काम बड़ी जल्दी जल्दी हो सके। हम तो करने नहीं जाएंगे इतनी जल्दी, स्विच ऑन ऑफ नहीं करने जाएंगे, हम तो बार बार मैग्नेट की पोलरिटी बदलने नहीं जाएंगे ऐसे। तो इसके जितने भी पार्ट्स बनाए जाते हैं बड़े फिसलन वाले बनाए जाते हैं, बड़े स्लिपरी बनाए जाते हैं कि बड़ी जल्दी से सब कुछ फिसले। इसमें भी करंट हमको देनी है कॉइल में, अब इसके दो तार में हम बैटरी से करंट देने जाएंगे, कुछ देर बाद ऐसे घूम जाएगी तो तार तो ऐसा एक दूसरे में फंस जाएंगे। तो इसके सारे पार्ट बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इंडक्शन मोटर बनाना बहुत डिफिकल्ट रहता है, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मोटर होती है ये, लेकिन वर्क भी आपका बढ़िया करती है भाई। अब ये मोटर वाले जितने काम है सब इससे कर सकते हैं, घूम तो रही है, लेकिन
अब आप सोचेंगे कि इसमें एडी करंट्स का कहां यूज है, तो हम इंडक्शन मोटर के डिजाइन में थोड़ा सा बदलाव कर देते हैं। कैसे बदलाव करते हैं उसको ध्यान से देखिए। बदलाव ये कर देते हैं कि यहां पर हमने ये जो दो मैग्नेट्स लगाए हैं, एक तरफ नॉर्थ और साउथ, और दो नहीं लगाए, चार लगाए हैं, ऐसे दो आगे पीछे लगाए हैं इस तरीके से। एक मैग्नेट हमने ये पीछे लगाया है और एक मैग्नेट हमने ये आगे लगाया है। ये बैक साइड में लगा है और ये फॉरवर्ड में लगा है, आगे लगा हुआ है, और बीच में हम इसके लगा देते हैं एक सॉफ्ट आयरन का गुटका ही रख देते हैं, पूरा सॉफ्ट आयरन का क्या रख देते हैं, गुटका। अब जब सॉफ्ट आयरन का गुटका रखेंगे तो क्या होगा, और देखिए इस गुटके में अब हम करंट नहीं देंगे, नहीं देंगे। पहले बीच में जो कॉइल रखते थे उसमें हमने करंट क्या करनी पड़ती थी, देनी पड़ती थी। अब ये गुटका रखेंगे इसमें करंट हम नहीं बाहर से देंगे, तो कैसे काम बनेगा देखिए कैसे बनेगा। जब हम इन दो पोल्स को चलाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऐसा बनाएंगे अपना, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो हम चुंबकीय क्षेत्र को जब बढ़ाएंगे तो ये जो सॉफ्ट आयरन का गुटका रखा है इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड पहले जीरो था, हम बढ़ा रहे हैं एकदम से, तो जीरो से मैक्सिमम होगा, चेंज हो रहा है। अगर चेंज होगा तो ये क्योंकि पूरा का पूरा धातु का गुटका है, तो धातु के गुटके के अंदर चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन के कारण क्या बनना स्टार्ट हो जाएगा, भंवर धाराएं बनना शुरू हो जाएंगी। भंवर धाराएं किस दिशा में बनेंगी, अपोज करने की डायरेक्शन में बनेंगी, विरोध करने की दिशा में बनेंगी। तो जब सबसे शुरुआत में, ध्यान से सुनिएगा, सबसे स्टार्टिंग में जब ऐसा हम मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं इस तरह का, तो क्वाइल अपने अंदर, क्वाइल का मतलब ये गुटका अपने अंदर भंवर धाराओं को ऐसे बनाता है, ऐसे भंवर धाराएं बनाता है जिससे उल्टा मैग्नेटिक फील्ड बन सके और हमारे बाह्य चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो सके, विरोध हो सके। तो उसमें हो सकता है कम समझ में आए, आप इसमें देखिए, ये वाला हमने चुंबकीय क्षेत्र बनाया बाह्य, तो गुटके में भंवर धाराएं पैदा हुई और उन्होंने अपना चुंबकीय क्षेत्र कैसा बना दिया, ऐसा, इसका विरोध करने के लिए। ये दो बात समझ आ गई सबको, ये वाला कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, बाह्य चुंबकीय क्षेत्र। ये वाला कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है, जो भंवर धाराओं से बना है वो वाला चुंबकीय क्षेत्र। समझ आया भाई, जब करंट ऐसे फ्लो होगी तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड भंवर धाराओं वाला बन गया। जैसे ही ऐसा बना, अब हमारी चालाकी फिर स्टार्ट हो गई। हमने क्या कर दिया, अपने मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे के बजाय ऐसा कर दिया, पहले ऐसे बनाया था, अब अपने मैग्नेटिक फील्ड को हमने कैसा कर दिया, ये काम कैसे कर सकते हैं, इनको छोड़ के इनमें करंट बहाओ, ऐसा हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इसका वाला कैसा बना था, भंवर धाराओं वाला, ऐसा हमारा ऐसा था, पर अब हमने ऐसा कर दिया। अब ये क्या करेगा बताओ, सीधा करने की कोशिश करेगा, अब सीधा करने के चक्कर में ये ऐसा होना चाहता है, इसकी दिशा में चलेगा कि नहीं चलेगा, या ऐसे था हमने ऐसा कर दिया तो ये ऐसा घूम के आ जाएगा, और जब ये ऐसा होने की कोशिश करेगा तो ये ऐसा कैसे हो सकता है। आंसर है उसके साथ पूरा ये जो लोहे का पीस है पूरा घूमेगा ऐसे। तो जो चुंबकीय क्षेत्र पहले हमने ऐसे बनाया, इसने ऐसा बनाया, हमने चुंबकीय क्षेत्र बदल के ऐसा कर दिया, इसने भी अपने आप को घुमा के ऐसा कर लिया, फिर हमने अपने मैग्नेटिक फील्ड को बदल के फिर ऐसा कर दिया, इसने फिर अपने आप को ऐसा कर लिया, हमने अपना चुंबकीय क्षेत्र बदल के ऐसा कर दिया, ये भी ऐसा घूम गया, ऐसा कर दिया ये भी ऐसा घूम गया। इस तरह से हम अपने चुंबकीय क्षेत्र को बार बार डायरेक्शन बदलते जाते हैं और बीच का ये लोहे का पीस भी क्या होते जाता है, घूमने लगा,
वहां भी घूम रहा था कॉइल, यहां भी घूमने लगी। अब दोनों में डिफरेंस आप समझ पाए क्या है, क्या फर्क है दोनों में, बता सकते हैं आप? वेरी गुड। इसमें जिस कॉइल को हमने घुमाना रहता था उसमें भी हमको एक बैटरी लगाकर करंट देनी पड़ती थी, लेकिन इसमें अब आप बाहर से करंट दे रहे हो क्या? खुद ही अपनी करंट बनाता है, भंवर धाराएं खुद ही चुंबकीय क्षेत्र बनाता है और खुद ही बेचारा घूमता है। तो अब हम जो करंट दे रहे थे पहले, अब बताओ अब हमको उससे ज्यादा करंट देनी पड़ रही है या कम करंट देनी पड़ रही है? अब तो कम देनी पड़ रही है, ये वाली करंट हमारी क्या हो गई, कम देनी पड़ रही है। अब वो वाली करंट हमको इसमें नहीं देनी पड़ रही, तो हमारा फायदा हो गया कि हमको अब कम करंट देनी पड़ती है और उसके लिए बैटरी वैटरी हमको कुछ नहीं लगानी बीच में। तो ये जो मोटर बन गई, ये मोटर इंडक्शन मोटर है। नहीं समझ में बात आई आपको? सारा प्रिंसिपल सब कुछ समझ में आ गया, कैसे घूमेगी वो? नहीं समझ आया? आया ना? तो इस तरीके से ये बड़ी तेजी से ऐसा घूमना शुरू कर देगी और मोटर वाले जो काम इससे करवाने हैं सब करेगी। लेकिन एक चीज मैं आपको बताऊं, इस मोटर में और इस मोटर में डिफरेंस ये है कि इसमें हमको चुंबक बनाने के लिए भी करंट देनी पड़ती है और कॉइल को घुमाने के लिए भी करंट देनी पड़ती है। इसमें हम सिर्फ चुंबक बनाने के लिए तो करंट देते हैं, घुमाने के लिए इसको करंट नहीं देते। और मैं आपको बताऊं इन दोनों मोटर में कौन ज्यादा पावरफुल मोटर होगी, तो ये मोटर अभी भी मोर पावरफुल है भाई। इसमें भी बहुत ताकत होती है, अगर हमने इसको मोर पावरफुल कह दिया, इसको लेस पावरफुल कह दिया, तो आप ये मत समझिए कि ताकत कम हुई गई तो ये ऐसे रेंगेगी, ऐसा नहीं है, बहुत जोर चलेगी। क्या चलाती है अभी हम बताएंगे आपको, इसकी पावर लेस होती है, लेस पावरफुल मोटर ये वाली होती है, लेकिन उसमें फायदा हमारा हो रहा है, करंट कम देनी पड़ रही है, इसमें हमारा करंट ज्यादा जा रही है। तो आपको मैं बताऊं, मैंने कम ताकतवर मोटर लिख दिया, कम पावरफुल मोटर लिख दिया, तो आप इस पर शक मत करिए, बहुत बड़े बड़े काम करती है। सबमर्सिबल की मोटर ये वाली है, सबमर्सिबल चलाते हैं घर में पंप, यही वाली मोटर लगी है उस पर। छोटी मोटर होती है क्या? हमारे यहां 200 फीट नीचे से पानी निकाल के ऊपर फेंक देती है, और 200 फीट से ना सिर्फ पानी निकालती है, वहां से यहां पीछे तक पानी ले जाती है। इतनी बड़ी पाइपलाइन पड़ी हुई है पीछे और छत में पानी चढ़ाती है, इतनी ताकत वाली मोटर है। आपके कूलर में लगी होती है, लोग कहते हैं अच्छा वाला एग्जॉस्ट लगवाओ कूलर बहुत अच्छा चलेगा, कूलर में लगी होती है, कितनी तेज चलती है मोटर आप देखो, ये वाली मोटर है। आपके रेफ्रिजरेटर में लगी हुई है, आपकी वॉशिंग मशीन में लगी हुई है ये वाली मोटर, ये सब जगह घुमा रही है। तो लेस पावरफुल का मतलब ये मत सोचना, इस पे आप इसको कमजोर मत आकलन करना, ये बहुत काम करती है। तो फिर ये मोटर कहां लगी है? ये मोटर उससे भी ज्यादा ताकत वाली है। तो जहां बहुत तेज बहुत पावरफुल वर्क हमको चाहिए वहां ये वाली मोटर हम लगाएंगे। बताओ कहां ज्यादा पावरफुल वर्क चाहिए? मिक्सी, मिक्सी में हम चाहते हैं बटन दबाएं बड़ी जोर से घूमे एकदम। हमारी गुटके जो छोटे छोटे टर्मेरिक के गुटके हैं और जो चीजें, उनको बिल्कुल बुरादा कर दे, पीस दे एकदम, इतना ज्यादा ताकत चाहते हैं। तो आप देखते हो 1 2 3 पॉइंट में चलती है, फर्स्ट पॉइंट में चलाओ धीमी, सेकंड में थोड़ा तेज, थर्ड में चलाओ एकदम, इतनी तेज चलती है कि अंदर भरा हुआ पूरा मटेरियल एकदम पीस के छोटा छोटा कर देती है। ड्रिल मशीन, ड्रिल मशीन में कितनी ताकत लगती है, दीवार में लगाते हैं और दबाते हैं, उसके बाद भी वो इतनी तेज घूमती है कि दीवार को आर पार कर सकती है। तो ड्रिल मशीन में ये वाली मोटर लगाते हैं। तो ये वाली मोटर हमने कहां कहां लगाई? मिक्सर में लगाई, और कहां लगाई? ड्रिल मशीन बनाई इसकी हमने। ये वाली मोटर कहां कहां काम कर रही है? अभी क्या बताया हमने कहां काम कर रही है?
आपके कूलर्स में काम कर रही है, आपके रेफ्रिजरेटर में लग रही हुई है, कूलर्स रेफ्रिजरेटर पंप में यही मोटर लगी हुई है, एसी में यही मोटर लगी हुई है, वॉशिंग मशीन में यही मोटर लगी हुई है, सब जगह ये काम कर रही है। समझ आ रहा है कुछ आपको? तो बताओ क्या अभी भी आप इसको कमजोर मान के चलोगे क्या? आपके सारे काम तो ये करती है, ड्रिल मशीन और मिक्सर तो आपको क्या हमेशा जरूरत पड़ती है, लेकिन रेफ्रिजरेटर कूलर पंप रोज चलाते हो आप सुबह सुबह, समझ में आ रहा है आपको? तो इतने काम आपके करती है। ये एडी करेंट्स का एक अगला एप्लीकेशन है इंडक्शन मोटर। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा सब कुछ। अब एक छोटी सी चीज इसमें और बचती है कि भंवर धाराओं को, जैसे कहीं कहीं पर हमको हीट नहीं चाहिए लेकिन फिर भी वो हीट देती है, तो भंवर धाराओं को हम कम कैसे कर सकते हैं, उसको कम करने के क्या उपाय हैं, मैं यहां पर आपको बता देता हूं, यहां से आप नोट कर लीजिएगा। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? भंवर धाराओं के खतरे से बचने के उपाय। भंवर धाराओं के खतरे से अगर आपको बचना है तो उसके क्या उपाय हैं, थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, फिर इसके बाद आप काम करिए। जैसे ये एक गुटका हमने बनाया, देखिए ये हमने इतना बड़ा गुटका बनाया और इस गुटके में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किया, इसमें भंवर धाराएं बनी। जब भंवर धाराएं बनी तो वो भंवर धाराएं, थोड़ा देखिएगा जरा, यहां से ऐसा चली, ऐसा चली, ऐसा चली और ऐसा। अगर हम ये मान ली कि ये 5, 5, 5 और 5 है, तो टोटल कितना लंबा रास्ता चलना पड़ा उन्हें? 20 रास्ता चलना पड़ा, सेंटीमीटर जो भी है उतना रास्ता चलना पड़ा। फिर से भंवर धाराओं के खतरे को हम क्या करना चाहते हैं? कम। हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। अगर आप भंवर धाराओं की हीट से बचना चाहते हैं तो क्या चीज कम कर दो? करंट कम कर दो। करंट कैसे कम होती है? R का फॉर्मूला होता है V/I। अगर करंट कम करना है तो रेसिस्टेंस क्या कर दो? बढ़ा दो, उसको ज्यादा कर दो। रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है ρL/A। रेसिस्टेंस बढ़ाना है तो करंट का लंबाई बढ़ा दो, करंट के रास्ते की लंबाई ज्यादा कर दो। देखो तीनों चीजों को जोड़िए एक दूसरे से। आप क्या करना चाहते हो? हीट कम करना है आपको, तो हीट कम करने के लिए करंट को क्या करो? करंट कम करना है तो क्या करो? प्रतिरोध को, प्रतिरोध ज्यादा करना है तो धारा का रास्ता क्या कर दो? लंबा बना दो। नहीं समझ में आई बात आपको? क्लियर है तीनों पॉइंट? फिर से बताओ, भंवर धारा से क्या खतरा है? बहुत हीट बनाती है, हीट से बचना चाहते हैं, हीट से बचने के लिए क्या उपाय है बताओ? वैद्युत धारा को कम कर दो। वैद्युत धारा कम कैसे हो सकती है? प्रतिरोध को ज्यादा कर दो। प्रतिरोध कैसे ज्यादा हो सकता है? धारा जिस रास्ते पर चल रही है वो रास्ता ही लंबा कर दो, वो रास्ता ही क्या कर दो? लंबा कर दो। प्रतिरोध बढ़ जाएगा, प्रतिरोध बढ़ने से करंट कम हो जाएगी, करंट कम होने से हीट कम होगी और उसके खतरे से बचेंगे हम लोग। ठीक, ये बात समझ में आ गई? अब हमको मेन मकसद है करंट का रास्ता लंबा करना है, कैसे करें? तो ध्यान से देखिए जरा, यही वाला गुटका अब हम फिर से बगल में बना रहे हैं। अब इसके बनाने का तरीका देखो, थोड़ा बड़ा छोटा मान लो वही गुटका है पूरा। तरीका क्या होता है रास्ता बदलने का? देखना बेटा,
हमने इस तरह का यही गुटका ऐसे में काट दिया। अब जब ऐसे काट देंगे, पहले टोटल कितना लंबा रास्ता था इसका, 20 सेंटीमीटर। अब रास्ता देखिएगा जरा, जब करंट चलना स्टार्ट करती है, बाय चांस एक जगह से स्टार्ट हुई करंट, यहां से चलना उसने स्टार्ट किया, ऐसे आई, आगे रास्ता नहीं है, मुड़ना पड़ेगा उसको, आगे भी नहीं जा सकती, मजबूरी है, कहां जाना पड़ेगा उसको, नीचे जाना पड़ेगा। फिर वो ऐसे आएगी, यहां जाएगी, ऐसे आएगी, यहां जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तब उसका एक चक्कर पूरा होगा। अब पहले सभी भुजाएं पांच 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 थी, अब देखो यहां से ये गई कितनी, पांच, मान लिया ये बहुत कम है, फिर ये कितनी आई, पांच, ये बहुत कम है, पांच 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 पांच, दस पांच, पंद्रह पांच, बीस पांच, पच्चीस पांच, तीस पांच, पैंतीस, लंबा कितना रास्ता हो गया, 35 सेंटीमीटर रास्ता हो गया करंट का। तो पहले के अपेक्षा करंट के रास्ते की लंबाई क्या हो गई, बहुत बढ़ गई। अगर लंबाई बढ़ गई करंट के रास्ते की, तो प्रतिरोध क्या हो गया होगा, प्रतिरोध बढ़ने से क्या हो जाएगा, करंट कम होने से हीट का खतरा कम हो जाएगा। ना समझ में आया आपको, और शायद किसी ने देखा हो, जब ट्रांसफार्मर बनाते हैं तो अगर आपके घर का कोई उपकरण खराब हुआ हो और ट्रांसफार्मर उसमें से निकला हो, उसको फोड़ के देखेंगे आप, तो उसमें पत्तियां निकलती हैं और उन पत्तियों का शेप ऐसा ही बना होता है, किसी ने देखा हो, अगर देखा है ना आपने, स्टेबिलाइजर में अगर ट्रांसफार्मर स्टेबिलाइजर अगर कभी खराब हो जाता है, उसके अंदर जो ट्रांसफार्मर निकलता है उसको आप तोड़ के देखोगे, उसकी पत्तियां इसी शेप में मिलती हैं, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पूरा गुटका रखा रहता है, ट्रांसफार्मर देखोगे गुटका होता है ऐसे। अब उसमें हीट अगर होगा तो हमारा स्टेबिलाइजर बहुत गर्म होगा और उसकी क्वाइल जल्दी से गल सकती है। तो हम चाहते हैं भंवर धाराएं कम बने, और भंवर धाराएं कम बनाने के लिए हमको ऐसी पत्तियां बनानी पड़ती हैं, और एक नहीं ऐसी बहुत सारी पत्तियों को आपस में वार्निश से जोड़ करके चिपका के उनको रखते हैं वहां पे। अब आप बताएं भंवर धाराओं के खतरे से बचना समझ आया आपको, क्या कर दो, मेन मकसद बस करंट के रास्ते को लंबा कर दो। और लंबा कैसे करोगे, तरीका बदल दो, गुटका वही है, पहले उसी गुटके में 20 सेंटीमीटर चल रही थी, अब उसी गुटके में 35 सेंटीमीटर। और देखो जबकि हमने इसका तो जोड़ा ही नहीं, ये भी तो जब चली होगी तो टोटल ये भी 5 बनी होगी धीरे से, तो 40 हो गया होगा रास्ता इसका, जबकि ये वाले पार्ट हमने क्या किए, ये वाले और ये वाले पार्ट हमने ऐड ही नहीं किए। अगर इन टुकड़ों को यहां ले आओ तो ये भी तो पूरा मिला के 5 और बनेगा, तो कितना लंबा रास्ता बनेगा, 35 नहीं 40 सेंटीमीटर का रास्ता बन जाएगा। तो 20 का रास्ता कितना हो गया, सीधा 40, तरीका बदल गया। अब बताएं भंवर धाराओं के खतरे से बचना समझ में आया, कैसे बच सकते हैं, प्रतिरोध को बढ़ा के, प्रतिरोध कैसे बढ़ाएंगे, ये तरीका अपनाएंगे, ठीक है। तो अब आप इसको नोट कर लीजिए, और आज हम लोग अपनी फिजिक्स में इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सेल्फ इंडक्शन करेंगे, स्वप्रेरण जिसका नाम है। तो चलते ही मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।